जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी में प्रवासी नेपाली उद्धार समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में इंटक प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट भगत सिंह वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मेलन में इंटक के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही सम्मेलन में नेपाली समुदाय के लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में मुख्य अतिथि को अवगत भी करवाया। एडवोकेट भगत सिंह वर्मा ने बताया कि भारत और नेपाल संधि के अनुसार प्रशासन और सरकार को नेपाली समुदाय के लोगों की प्रवासी लोगों की समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। जिला बिलासपुर के नैना देवी में प्रवासी नेपाली उद्धार समाज का सम्मेलन समारोह संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश इंटक एडवोकेट भगत सिंह वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस सम्मेलन में इंटक के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ये सम्मेलन नैना देवी मंदिर के समीप आयोजित किया गया, जिसमें नेपाली समुदाय के लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में मुख्य अतिथि को अवगत करवाया। एडवोकेट भगत सिंह वर्मा ने कहा कि भारत और नेपाल संधि के अनुसार प्रशासन और सरकार को नेपाली समुदाय के लोगों की प्रवासी लोगों की समस्याओं का निवारण करना चाहिए। एडवोकेट भगत सिंह वर्मा ने कहा कि कई नेपाली परिवार 300 वर्षों से भारतवर्ष में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि इनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, वोनाफाइड के अलावा उनके राशन कार्ड भी बनने चाहिए, ताकि ये लोग भी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। और उन्होंने कहा कि नेपाली प्रवासियों का देश की रक्षा में भी अहम योगदान है और देश की सेना में भी कई नेपाली अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा ऊपरी शिमला और दुर्गम क्षेत्रों में सेब के उत्पादन और सब्जियों के उत्पादन में भी नेपाली मूल के लोगों का अहम योगदान रहता है। इसलिए प्रशासन को नेपाल हिंदू भारत संधि के अनुसार इन्हें उपरोक्त सुविधाएं प्रदान करें। इस मौके पर रामपाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला इंटक, बल बहादुर अध्यक्ष प्रवासी नेपाली उदार समाज, संयोजक भवीन शेठपाली, उपाध्यक्ष दीपक, महासचिव भूपेंद्र, सीमा, रेशम बहादुर, श्याम बहादुर मौजूद रहे। प्रवासी नेपाल समाज की जो आज बड़ी यहाँ पर सम्मेलन हुआ, उसके अंदर हम चाहते हैं कि भारतवर्ष और नेपाल की जो संधि है उसकी पालना करें प्रशासन। सरकार प्रशासन को हिदायत दें कि नेपाली समाज के जो लोग हैं भारतवर्ष के अंदर, और आज नैना देवी के अंदर जो सम्मेलन हो रहा है, मैं यहाँ के प्रशासन से, जिला प्रशासन से ये मांग उठाता हूँ कि इनके बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इनके राशन कार्ड, इनके वोटर कार्ड, इन सबको ये मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतवर्ष में जो नेपाली लोग रह रहे हैं, नेपाली समाज के लोग रह रहे हैं, तो भारत और नेपाल की संधि में ये बड़ा स्पष्ट है कि भाई हमारा नेपाल से आने पर भारतवर्ष में कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। दोनों देशों में हमारा आना जाना जो है वो बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के है। तो हमारी संधि है, उस संधि के मुताबिक हिंदुस्तान की सेना के अंदर, हिंदुस्तान की फौज के अंदर नेपाली लोग जो हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज नेपाल के बहुत से लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे शिमला की बात हो, ऊपर पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की बात हो, आज बगीचों में जितना काम नेपाली हमारे समाज के लोग कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, सब्जियां पैदा कर रहे हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ, हिंदुस्तान के लोगों के साथ, मैं कहूँगा कि जब वो साझा इस संस्कृति को करते हैं, उनका अधिकार है उनके बच्चे स्कूल जाएं, उस पंचायत और कमेटी के अंदर उनकी फैमिली एंटर हो। ये हम हिमाचल प्रदेश सरकार से आज के सम्मेलन में मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि वो बच्चे महरूम ना रह जाए अपने अधिकारों से, जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है, जिन्होंने साइंस के जो ग्रेजुएट हैं, प्लस टू करने के बाद जो चाहते हैं कि हम किसी इंटरव्यू के अंदर जाएं, हम इलेक्शन के दौरान वो चाहते हैं कि जब हम दर्जनों सालों से यहाँ रह रहे हैं, 40-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो वोट का अधिकार हमें मिलना चाहिए। ये हमारे सम्मेलन का उद्देश्य है। तो मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से और जिला प्रशासन से ये मांग उठाता हूँ कि नैना देवी का जो नेपाली समाज है उसके जो लोग हैं उनका, वो बहुत वर्षों से यहाँ, बहुत फैमिलियाँ हैं जो बहुत वर्षों से यहाँ रहती हैं, तो उनको ये तमाम सुविधाएं उनको मुहैया होनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ।